भारत माता की, ऐसा चार्ज लागू करो, ऐसा चार्ज लागू करो, ऐसा चार्ज लागू करो, ऐसा चार्ज लागू करो। देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम। जे एंड के गवर्नमेंट मुर्दाबाद, जे एंड के गवर्नमेंट मुर्दाबाद, जे एंड के गवर्नमेंट मुर्दाबाद, राजीव पार्टी लागू करो, राजीव पार्टी लागू करो, राजीव पार्टी लागू करो, ऐसा चोट लागू करो, ऐसा चोट लागू करो। चलो चलो हरजोरी चलो, चलो 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 चलो। आवाज दो, आवाज दो, मरकर जिंदी जिंदाबाद, मरकर जिंदी जिंदाबाद, मरकर जिंदी जिंदाबाद। ऐसा चोट लागू करो, ऐसा चोट लागू करो, ऐसा चोट लागू करो। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम, देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम। रोटी कपड़ा दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, रोटी कपड़ा दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। भारत माता की, भारत माता की। जी सर, मेरा नाम नवदीप सिंह, मैं यूनाइटेड फ्रंट का मेंबर हूँ। सारे को पहले जय माता दी, सारे नवरात्रे दे मतलब बड़ी बड़ी बधाई। लेकिन एक चीज़ मैं आखना चाहना, साढ़े डेली वेजर आस्ते ये जड़े नवरात्रे न कोई खुशी ले आन, और लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि गौरमेंट जड़ी गरीब लोगों की जड़ी आवाज़ इन्हें दबाइए रखी दी है, वो इसी साड़ा जड़ा मसला इसी हल करगन। असी आने वाले टाइम के जो त्यौहार आ रहे साढ़े कन्ने, ये छोटा बच्चा जड़ा ये बड़े दिन का अपने पिता जी तंग करा दा हा कि पिता जी दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है, मी कपड़े ले दियो। अज मैं इस मीडिया के माध्यम तो यह दसना चाहना कि अज तीन महीने हो जाए अलाटमेंट आए दे और इन्हें तनखा रोकिए रखी दी है, और 70 महीने की पहले पेंडिंग चला दी है। और ये जड़े त्यौहार ने साढ़े वास्ते कोई त्यौहार नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई दशहरा नहीं। मैं सरकार की चेताना चाहना कि साढ़े गृह मंत्री जेड़े अमित शाह जी 4 तरीक आ दे, असें खुली उनके सामने जेड़ी साड़ी एलजी सरकार है उसका असें विरोध करना, क्योंकि इस सरकार ने साढ़े मजदूरें का जेड़े मजदूरें की डिमांड है कि दबाया गया है, साढ़े को बंधुआ मजदूरी कराई गई है। अज 8 साल हुई है केंद्र सरकार के बीजेपी बैठे दे, और साढ़े इतने एलजी साहब जेड़े हूँ बैठे दे, 2 साल पहले साढ़े कन्ने जेड़े वायदा करते हैं अज तक और निभाया नहीं गया। मैं लिहाजा थोड़े चैनल तो मुताबिक तो यह आखना चाहना कि 4 तरीक साढ़े जिन्हें भी डिस्ट्रिक्ट साढ़े जेडे डेली वेजर इंप्लाइज ने और भारतीय जनता पार्टी का झंडा चुकिए उस रैली के अंदर जागन, तो उस रैली का कड़ा विरोध करगन और उत्थे नारे भी लगाए जागन, क्योंकि इन्हें लोगों सानू मजबूर किया है कि जेड़ी सेंटर की सरकार है और साढ़े बारे कुछ सोचा दे नहीं है, और इस वास्ते इस मजबूरी के कारण सानू 4 तरीक इधर कूच करना पोग, ते सेंटर दी जड़ी अमित शाह जी इत्थे आए देन उनका विरोध करना पोग। जय हिंद जय भारत। मैं होशियार सिंह PHE इंप्लाइड यूनाइट फ्रंट मैंबर, तुंदे माध्यम कन्ने LG प्रशासन की स्पष्ट संदेश है, ये मूवमेंट जी उन्हें रुकने वाली नहीं। अगर सानू गृह मंत्री का उत्थे जाइए रैली च उनका विरोध करना पिया तो साढ़े वर्कर सारे तैयार ने, अस लोग अगर काले झंडे भी दसने पे तो उनके खिलाफ नारेबाजी करने पे तो ये लोग सारे तैयार होए ने। LG प्रशासन की समझी जाना चाहिए, ये जायज डिमांडा लेइए अज 100 दिन पार करिए दी ये मूवमेंट, तो अज दे बाद ये अग्नि रूप लैने वाली मूवमेंट है। अगर सानू कोई वायलेशन भी करने पिया तो अस तां भी तैयार, आखने ही मेरा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, मेरे उस विश्व गुरु देश में मजदूर भुखे तो प्यासे तो त्रियाए
त्रऊ महीने के ऐसे विश्व गुरु देश की कौन पसंद कर कौन स्वीकार कर। मगर एक साइड सानू खुशी होंगी है जल्द विश्व गुरु का नाम आता है, तो दूसरी साइड सानू अपने आल दिखी है, अपने घर परिवार अपने बच्चे आल दिखी है। अफसोस आता है इस विश्व गुरु देश में रहने वाले जोड़े एल जी प्रशासन है केंद्र गौरमेंट है उन्हें साडा दुख दर्द समझ नहीं आता। बड़े सारे साथी मेरे 60 साल सेवा देने के बाद खाली हाथ चलिए, तो हूँ परमानेंट भी कल परसों किस रिटायर हो गए, उनके घर जश्न का माहौल हाँ। तो मेरा डेली बेजे भरा जल्द रिटायर हों तो घर एक मातम का माहौल हों बने। एल जी प्रशासन ने इस गल समझना चाहिए सेम नेचर का काम करने वाला वर्कर की बदुआ मजदूरी थले दबोए की कुचले द कौन वे इंसाफ कर। पिछलियाँ सरकार प्लस एल जी प्रशासन भी सानू एक कैटागरी नज़र आते हैं। मगर तुंदे माध्यम ने फिर एक बार संदेश है कि यह मूवमेंट हूँ रुकने वाली नहीं, चाहे बलिदान होने पवे चाहे किस भी करने पे बगैर हक लैते अस लोग वापस जाने वाले नहीं। ये जद्दोजहद जारी रहोग अस इन्ना मजबूर कर गए एल जी प्रशासन गए कि एल जी प्रशासन इतना चलिए गेट के अंदर साड़ी रेगुलेशन पॉलिसी साढ़े हथे दे नहीं तो पानी का जो क्राइसिस बने दा वो ऑलरेडी चला दा और अगे बदने जा रहा है ना कि वह रुकना है या थमना है। जिन्ना भी प्रशासन चाहे पुलिस जेडे साड़ी अफसर चाहिए साड़ी बेस्टेज रोकने की कोशिश करा रहे हैं, बेशक रोकन वो भी एडी चोटी का जोर लाई लैन सानू तोड़ने ताई। मगर अस भी उन्हें प्रण किया लास्ट लड़ाई बगैर जिते वापस नहीं हो। शुक्रिया, जय जय भारत।